एमपी के विदिशा महाविद्यालय लटेरी में नियमित अध्यापक न होने से 2500 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शासकीय महाविद्यालय स्टोरी में जनभागीदारी समिति की सामान्य परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से जनभागीदारी अध्यक्ष द्वारा कुशल श्रमिकों की व्यवस्था का विषय रखा गया। चूंकि लगातार छात्रों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि असामाजिक तत्व महाविद्यालय परिसर में घूमते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड की अत्यंत आवश्यकता है एवं छात्र छात्राओं की संख्या को देखते हुए कुशल श्रमिक के रूप में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर जनभागीदारी मद से व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया, परंतु जनभागीदारी अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि अनुभवी प्राचार्य ना होने के कारण जनभागीदारी मद से अति आवश्यक अशैक्षणिक कार्य के लिए कुशल अकुशल श्रमिकों की अस्थायी व्यवस्था तक करने में प्रभारी प्राचार्य को कलम फंसने का डर सता रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।